नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ना या उठना बैठना मुश्किल लगता है? तो आज बात करेंगे एक घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जो आपकी जोड़ों की दर्द की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, दर्द शरीर में कहीं पर भी हो, परंतु उस दर्द के कारण लगभग सेम होते हैं। कई बार जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है जिससे वे घिसने लग जाते हैं। ये आम तौर पर बढ़ती उम्र के साथ होता है। दूसरा कारण है इन्फ्लेमेशन मींस सोजिश। ये अर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है। इससे ज्वाइंट स्पेस कम हो जाती है, हड्डियां घिसने लग जाती हैं, जोड़ों में ग्रीस सूख जाता है, फिर जोड़ों में सूजन आने लग जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा कारण किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। और चौथा कारण बिल्कुल ही इनएक्टिविटी, बिल्कुल ही आप बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, उसके कारण भी जोड़ कमजोर हो जाते हैं और आपको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस समस्या के समाधान पर। दोस्तों, जब भी हमें कहीं पर भी दर्द होता है तो हम आम तौर पर पेन किलर ले लेते हैं, परंतु पेन किलर हमारे दर्द के कारण को ठीक करने की बजाय कुछ देर के लिए दर्द को दबा देता है। हमें अपनी मर्जी से पेन किलर कभी भी नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक पेन किलर लेने का नतीजा हमारे लीवर और किडनी को भुगतना पड़ता है। तो अब हम पक्के समाधान की बात करते हैं। तुरंत आराम के लिए एक तेल जो आप घर पर आसानी से बना लेंगे और एक खाने का नुस्खा आपको बताते हैं। आप घर पर ही दर्द निवारक तेल बना सकते हैं। इसके लिए आप सरसों के तेल में लहसुन को पका लें और हल्का गर्म तेल जोड़ों पर लगा लें। ये तेल अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है और दर्द से निजात दिलाता है। इस तेल की 2 मिनट तक मालिश करें और फिर जोड़ों को ढक लें, मींस पानी, हवा और ठंड से जोड़ों को बचाएं। ये तेल आप 2-3 मिनट में बना सकते हैं और ये बहुत आसान है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं खाने के लिए नुस्खा। इसके लिए आपको चाहिए हल्दी, अदरक, दालचीनी, लहसुन, अश्वगंधा, छोटी इलायची और काली मिर्च। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। दालचीनी शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है। लहसुन दर्द और सूजन को रोकता है और बॉडी की इंटरनल हीलिंग पावर को ये बढ़ा देता है। अश्वगंधा शरीर में वात को कम करता है और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है। इलायची और काली मिर्च पाचन तंत्र को ठीक करते हैं जिससे शरीर की सभी प्रणालियां ठीक से काम करने लग जाती हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप 1 गिलास दूध में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 कलियां लहसुन की, 1/2 छोटा चम्मच अश्वगंधा, 1 छोटी इलायची और 2 काली मिर्च, इनको मिलाकर 5-7 मिनट के लिए दूध को अच्छे से पका लें। फिर इसे छान लें और हल्का गर्म रह जाने पर पी लें। अगर आपको लगे तो आप थोड़ी सी पिसी हुई मिश्री मिला सकते हैं। ये आप रात को सोते टाइम पिएं तो बहुत बढ़िया है। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको इनमें से किसी चीज से एलर्जी है या कोई और दिक्कत है तो इसे अवॉइड करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।